नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र रुपेश और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बेसिक मैथ पार्ट 5 में लघु गणक से संबंधित ढेर सारे इम्पोर्टेंट सवालों का भरमार। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझना शुरू करते हैं एक एक सवालों को। तो पहला सवाल है दोस्तों लॉग, पहला सवाल देख लीजिए दोस्तों, यह है लॉग एक्स और इसका बेस है दोस्तों 3 बराबर 2। पहला सवाल है दोस्तों लॉग एक्स बेस 3 बराबर 2, तो एक्स बराबर व्हाट, यानी एक्स का मान निकालना है दोस्तों। देखिए ये कैसे निकलेगा, तो हॉल ऑफ हल, तो जब लॉग को हटाएंगे दोस्तों, जब लॉग को हटाएंगे तो ये जो एक्स है यह सेम रह जाएगा, सेम रह गया दोस्तों, बराबर का बराबर। जब लॉग को हम लोग हटाएंगे तो ये एक्स सेम रह जाएगा, सेम रह गया एक्स, बराबर का बराबर। और ये जो तीन बेस, जो ये तीन है दोस्तों बेस, ये जो बेस है 3, ये उस साइड जाएगा और 2 का बेस बन जाएगा। तो इस 3 को उस साइड हम लोग गए और ये 2 का बेस बन गया, ये 2 का बेस बन गया। तो इसलिए दोस्तों एक्स बराबर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9 आंसर। जरूर समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है दोस्तों लॉग एक्स प्लस 1 बेस 2 बराबर 3, तो लॉग एक्स प्लस 1 बेस 2 बराबर 3, तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हल हल, ये लॉग को हटाएंगे तो ये एक्स प्लस 1 जो है ये सेम रह जाएगा, एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 बराबर। और ये जो 2 है दोस्तों बेस, ये बेस 2 जो है ये उस साइड जाएगा तो ये 3 का बेस बन जाएगा, तो 2 उस साइड गया तो ये 3 का क्या बन गया, बेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स प्लस 1 बराबर और 2 पे पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 8, और अब प्लस 1 को उस साइड भेजेंगे तो x बराबर 8 और प्लस 1 उधर गया तो -1, और इसलिए x बराबर 8 में से गया तो 7 आंसर। समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है दोस्तों 3 log x बेस 8 बराबर 2, तब x बराबर व्हाट, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, हल हल। सबसे पहले दोस्तों ये 3 जो है तो ये उस साइड जाएगा, तो ये log x बेस 8 बराबर 2, और ये जो 3 उस साइड गया तो ये सटा हुआ था तो गुना के रूप में था, उस साइड गया तो भागा के रूप में बट्टे हो जाएगा, सट्टे तो बट्टे, गुना में था तो भागे में गया। आगे देखते हैं दोस्तों कि log को अगर हटाएंगे तो x तो सेम जगह पर रह जाएगा, लॉग को हटाएंगे ये एक्स तो यहाँ रह जाएगा, और बराबर ये जो बेस 8 है ये इसका बेस बन जाएगा, ये 8 उधर जाएगा तो 8 बन गया इसका बेस, 2/3 का बेस। और आगे देखिए दोस्तों एक्स बराबर 8 को लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों 2 पे पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 पे पावर 3, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है, 2 पे पावर 3, और इस पर पावर है ये 2/3, ये 3 3 क्या हो गया दोस्तों, कट गया, और x बराबर 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 आंसर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल है दोस्तों log x प्लस 4 बेस 16 बराबर 1/2, तब x बराबर व्हाट, तो देखिए हल हल, तो अगर log को हटाएंगे दोस्तों तो ये x प्लस 4 तो सेम रह जाएगा, log को हटाएंगे तो x प्लस 4 सेम रह जाएगा बराबर, और ये जो 16 जो बेस है दोस्तों
ये उस साइड चले जाएगा, इसका बेस हो जाएगा एक बटे दो का बेस हो गया, एक बटे दो का बेस बन गया 16। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्स प्लस चार और 16 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 पर पावर 2, क्योंकि 4 गुना 4 16 होता है, तो 16 को लिख देंगे 4 पे पावर 2 और ये गुना 16 को लिख दिया 4 पे पावर 2 गुना 1 बटे 2, 2 क्या हो गया कट गया, तो एक्स प्लस 4 बराबर बच गया यहाँ 4 पे पावर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्स प्लस 4 बराबर 4 पे पावर 1 है तो क्या होगा 4, और एक्स बराबर 4 और ये प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, इसलिए एक्स बराबर 4 में से 4 जाएगा तो 0 आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां सवाल है दोस्तों, log 5 प्लस log 3 बराबर वाट। देखिए बहुत ही सिंपल है हल, हल जब इस टाइप का सवाल हो दोस्तों, log 5 प्लस log 3 बराबर वाट और यहाँ प्लस हो, तो दोस्तों इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। देखिए कैसे, log प्लस है तो क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे 5 गुना 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों log 5 या 15 आंसर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर, 6ठा सवाल है दोस्तों, log 6 माइनस log 3 बराबर वाट। तो दोस्तों ये 5 के तरह ही ये 6 नंबर का सवाल भी है, फर्क इतना है कि 5 में प्लस था तो हम लोग गुना किए थे और 6ठा में माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हल हल log का log और 6 को 3 से क्या कर देंगे, भाग यानी बटे में दे देंगे 6/3, तो log का log और 3 को 6 से भागा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 2 आंसर। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 7वां सवाल की ओर, और 7वां सवाल देखिए दोस्तों क्या है, 2 log 3 बराबर 5। तो हल हल और ये जो आगे में दोस्तों 2 देख रहे हैं ये घात बन जाएगा 3 का, तो देखिए कैसे होगा, log का log 3 का 3 और ये जो दोस्तों 2 है ये 3 का घात बन जाएगा और यह हो जाएगा log और 3 पे पावर 2 है दोस्तों, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो गया log 9। और बढ़ते हम लोग अगले सवाल 8वां सवाल की ओर, हल हल यहाँ दोस्तों सवाल है 3 log 5 बराबर वाट। तो आगे में जो 3 है ये दोस्तों घात बन जाएगा 5 का, तो log 5 और ये 3 घात बन जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा log 5 पे पावर 3 है तो 5 को 3 बार गुना करेंगे दोस्तों, तो 25 25 125, तो log 5 पे पावर 3 है तो 125 आंसर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर, 9वां सवाल है दोस्तों, 3 log 2 प्लस 2 log 3 बराबर वाट। तो देखिए जरा ये कैसे बनेगा, ये जो आगे में 3 है ये तो 2 का घात हो जाएगा, log का log 2 का 2 और ये 3 बन गया घात प्लस, और ये जो आगे में 2 है ये भी 3 का घात बन जाएगा, तो log का log 3 का 3 और ये 2 बन गया घात, तो log 2 पे पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 8 और log 3 पे पावर 2 है तो 3 गुना 3 3 कितना हो जाएगा 9। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, गुना, तो log 8 गुना 9, तो क्या हो जाएगा दोस्तों log 9/72, तो इनका आंसर हो गया log 72। आप लोग निश्चित ही यह सवाल समझ गए होंगे दोस्तों। और बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर, 10वां सवाल अंतिम सवाल, 5 log 2 माइनस 3 log 2 बराबर वाट। तो देखिए हल हल तो सबसे पहले ये 5 जो है 2 का घात बनेगा, log का log 2 का 2 और ये 5 बन गया घात, और माइनस log 2 और ये 3 जो है इसका घात बन गया। तो देखिए दोस्तों log का log 2 पे पावर 5 है दोस्तों, तो 2 को 5 बार गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 32, और log 2 पे पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे
दो गुना दो तो कितना हो जाएगा 8। तो यह माइनस है तो दोस्तों इन दोनों को भाग करेंगे, बटे में लिखेंगे, तो लॉग 32 बटे 8, तो लॉग का लॉग और 8 से 32 कितना बार में कटेगा, 8 चौके 32, 4 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉग 4। दोस्तों आज का यह 10 सवाल जो है, 10वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत जगह काम आएंगे, तो इन 10वां सवाल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और आज आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं 5 सवाल, और देखेंगे कि कितने दोस्त उन 5ों सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। और पार्ट 5 में होमवर्क के रूप में 5 सवाल मिलेगा आपको, जिसका आंसर आपको पार्ट 6 में बताया जाएगा। तो आज का होमवर्क है दोस्तों पार्ट 5 का होमवर्क, लॉग एक्स बेस 2 बराबर 5 तब एक्स बराबर वाई। दूसरा सवाल 3 लॉग एक्स बेस 8 बराबर 2 तब एक्स बराबर वाई। तीसरा सवाल लॉग एक्स प्लस 1 बेस 2 बराबर 4 तब एक्स बराबर वाई। चौथा सवाल 2 लॉग 5 प्लस 2 लॉग 3 बराबर वाई। और लास्ट 5वां सवाल होमवर्क का 2 log 4 माइनस 3 log 2 बराबर 5। तो दोस्तों देखते हैं कि पार्ट 6 में इन सवालों का मैं जवाब लेकर के आऊँगा, और देखते हैं कि किन किन दोस्तों को यह सवाल बन पाता है, किन कौन कौन दोस्त ऐसे हैं जो इन सभी सवालों के जवाब दे पाते हैं। तो आप जवाब तैयार रखिएगा, फिर मिलते हैं पार्ट 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।